We also have Vijay Rupani, former Chief Minister of Gujarat and BJP leader, joining us. Thank you, Mr. Rupani, हमसे बात करने के लिए. आज गुजरात में चुनाव थे और all 26 seats ने वोट किया है. अब ये बताइए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कह रही है कि स्केल ऑफ मार्जिन्स जो है इस बार 5 लाख से ऊपर जाएंगे. आपको क्या लग रहा है सर कि 26 सीट्स हैं, कितनी जीतेगी पार्टी? मेरा स्पष्ट मानना है कि पोलिंग अभी खत्म हो गया है और सभी सीट हम जीतेंगे, उसमें कोई बेराय नहीं, दो राय नहीं है. दूसरा क्या है कि पूरे गुजरात में इस बार मोदी जी की पूरी लहर है और गुजरात वैसे भी मोदी जी के साथ उनका नाता रहा है, मोदी जी पर भरोसा है और 10 साल में मोदी जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई तो अगले 5 साल भी मोदी प्रधानमंत्री रहे, यही मुद्दा पर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है. रूपानी जी, कांग्रेस और आपका टाइप है 2 सीटों पे, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इस बार 2 सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां उन्होंने गठबंधन किया है, तो वैसे असेंबली इलेक्शन में अलग अलग लड़े थे तो डिवीजन ऑफ वोट हुआ था, इस बार डिवीजन ऑफ वोट नहीं होगा, लेकिन दोनों सीट हमारे लिए अच्छी सीट है. भरूच भी लगातार हम जीतते आए हैं, भावनगर भी लगातार हम जीतते आए हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. विजय जी, कुछ दिन पहले हमने देखा कि गुजरात में जो क्षत्रिय दरबार कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी काफ़ी विरोध हुआ पुरुषोत्तम रूपाला के जो रिमार्क्स कमेंट्स थे. आपकी पार्टी ने भी पूरी तरह से कोशिश की जो है क्षत्रिय लीडर से मिलने की. आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा कुछ सीटों पर? वैसे क्षत्रिय कम्युनिटी को उनकी जो संवेदना, मुझे लगता है कि उनको दुख हुआ है और उससे थोड़ा असर रहेगा, लेकिन ज्यादातर क्षत्रिय समाज राष्ट्रवादी भावना से लोग भरपूर है और देश के लिए बलिदान भी उन्होंने दिया है, तो देश की सोच अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो वोट देने के लिए जब गए होंगे तो कमल पर ही वोट लगाएंगे, कमल का ही बटन दबाएंगे और क्षत्रिय में से भी बीजेपी को वोट मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है. रूपानी जी, जो एक सीट है उसका तो आउटकम पता ही है, सूरत, जो जहां पर आपके कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं अनअपोज, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि इस ये अवॉइड हो सकता था, ये डेमोक्रेसी के लिए एक सेटबैक है. नहीं देखिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, मैं मानता भी, लेकिन हमारी क्या जिम्मेवारी है इसमें? कांग्रेस का इंटरनल ये प्रॉब्लम है, जो प्रत्याशी था उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस ने मुझे ऐसा मदद नहीं किया, वो मदद नहीं किया, इसलिए मैंने वापस लिया है, और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि तुमने पैसा ले लिया और तू भाग गया है, तो ये इंटरनल कांग्रेस का ही प्रॉब्लम है और कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेवार है. हम मानते हैं कि लोकतंत्र में फाइट होनी चाहिए, स्पर्धा होनी चाहिए और चुनाव भी होना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है. कांग्रेस इतनी उनके लीडर के पास कोई कंट्रोल नहीं है और पूरी गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप नाकामयाब है. थैंक यू विजय जी हमसे बात करने के लिए. दैट वाज विजय रूपानी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड आल्सो बीजेपी लीडर, स्पीकिंग ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बीजेपी इन गुजरात, अ स्टेट दैट इट हैज रूल्ड इलेक्टोरली फॉर मेनी इयर्स एंड ऑल 26 सीट्स ऑफ गुजरात वोटेड टुडे.